अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अर्शद महमूद है। सो आज की वीडियो के अंदर हम शॉर्ट स्ट्रेचर एग्जामिनेशन की सीरीज का एक नेक्स्ट लेक्चर देने जा रहे हैं जो कि है कैरिंग गिंगम पे। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अक्सर एग्जामिनर इसको डिटेल में पूछना शुरू कर देते हैं आपसे कि कैरिंग गिंगम होता क्या है, सो कैसे लेने हैं, किस में कम होता है, किस में ज्यादा होता है, इस चीज को हम डिटेल में देख सकते हैं। सो कैरिंग एंगल बेसिकली एक ऐसा एंगल है जिसको नॉर्मली हम जब कोई चीज कैरी करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बाल्टी वगैरह उठाते हैं तो जब वो आप उठाते हैं तो डेफिनेटली आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है, तो एक एंगल बनता है, इसको हम कैरिंग एंगल कहते हैं। तो नॉर्मली हर बंदे के अंदर ये एक एंगल मौजूद है। डेफिनेटली जो आर्म की हमारी पोजिशन है थोड़ी सी रोटेटेड है, बिल्कुल इन लाइन नहीं है। अगर मेरा आप आर्म देखें तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा रोटेटेड बाहर की तरफ है, तो अगर ये बहुत ज्यादा रोटेटेड होगा तो इसको हम कहते हैं क्यूबिटस वेलगस, और अगर ये बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल आर्म मेरा रोटेट होने की बजाय बिल्कुल सीधा होगा, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिटस वेलस। ये दोनों डिफॉर्मिटीज हैं। तो थोड़ा बहुत एंगल ये नॉर्मल है, अगर ज्यादा होगा तो क्यूबिटस वेलगस कहलाएगा, अगर थोड़ा होगा तो इसको हम क्यूबिटस वेलस कहते हैं। अब होता क्या है कि कुछ सिंड्रोम्स हैं, खासतौर पर जो है हमारे टर्नर सिंड्रोम है, नूनन सिंड्रोम है, उसके अंदर ये कैरिंग एंगल बढ़ जाता है, और ये सिंड्रोम टिपिकली एसोसिएटेड है विद शॉर्ट स्ट्रेचर। सो उसमें ये इंपॉर्टेंट मूवर है। उसको परफॉर्म कैसे करना है, आपने पेशेंट के सामने आना है, खुद मॉडल बनना है, उसको परफॉर्म करके दिखाना है और पेशेंट से फिर परफॉर्म करवाना है। उसके लिए क्या है कि आप पेशेंट आपका सीधा खड़ा हो, उसके जो आर्म है वो बिल्कुल पेशेंट की बॉडी के साइड पे हो, और उसकी जो हैंड की जो पाम्स हैं ये फेस अपवर्ड कर रही हो। सो इस तरह आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने, चूंकि हम कैरिंग एंगल आइडली रिसर्च पर्पस के लिए तो ये मेजर किया जाता है, तो इसके लिए हम इसको टिपिकल जो होता है मैनुअल गोनियोमीटर उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एग्जाम में हम चूंकि हम ग्रॉसरी को देख लेते हैं प्रॉपरली, हम वो एंगल नहीं निकाल रहे होते, हम देख लेते हैं ग्रॉसरी कि क्या पेशेंट की जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो हम वहाँ पे एक ग्रॉसरी निकाल रहे होते हैं, हम उसको मेजर एग्जैक्टली नहीं कर रहे। इसको मेजर करने का तरीका आपको आना चाहिए। उसके लिए हम दो एंगल्स लेते हैं, दो लाइंस लेते हैं। एक लाइन हम लेती हैं जो कि हमारी जो आर्म है उसको इंटरसेक्ट करती होती है, उसके पैरेलल जा रही होती है। सपोज अगर मेरा ये आर्म है तो हम यहाँ से एक लाइन लेंगे जो पैरेलल यहाँ तक जा रही है, फिर हम एक और लाइन लेंगे जो कि हमारे फोर आर्म के पैरेलल जाएगी, फोर आर्म के मिड में जाएगी। तो इन दोनों लाइन्स के दरम्यान का जो ये एंगल बनता है, इस लाइन का और ये जो ये लाइन आ रही है, तो इस एंगल को हम कहते हैं कैरिंग एंगल। नॉर्मली ये जो एंगल है ये लेस देन 15 सेंटीमीटर होता है। जब ये ज्यादा हो जाता है, मिसाल के तौर पर टर्नर सिंड्रोम में या नूनन सिंड्रोम में, तो ये पैथोलॉजिकल होता है और ये डिजीज की सिग्निफिकेंट है, उसका एक साइन है। कुछ कंडीशन के अंदर ये नॉर्मल भी हो सकता है, और कुछ कंडीशन के अंदर ये बगैर सिंड्रोम के भी बड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर वो प्रॉपर हील नहीं हुआ, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी एक कैरिंग एंगल आ सकता है। सो कैरिंग एंगल की कॉजेज के अंदर टर्नर सिंड्रोम है, नूनन सिंड्रोम है, और जो फ्रैक्चर्स हैं, बोन के फ्रैक्चर्स, वो भी ये कैरिंग एंगल करवा सकते हैं। थैंक यू।